आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जो 7 संकल्प देशवासियों को दिलवाए हैं उनमें से एक संकल्प है कि घर में बने मास्क जरूर पहने। लेकिन इस काम में झुंझुनू की महिलाएं पहले से लगी है। झुंझुनू की वो महिलाएं भी घर के कामों में समय निकालकर मास्क बना रही है जिसका इससे पहले सामाजिक सरोकार से शायद ही कोई जुड़ाव रहा हो। लेकिन अब वैश्विक महामारी के बाद जब हालात विकट हुए हैं तो इससे पार पाने के लिए महिलाएं भी अपना योगदान दे रही है। बात झुंझुनू के वारिसपुरा गांव की कर रहे हैं जहां पर एक गृहिणी हेमलता प्रचार प्रसार से दूर घर के कामों से समय निकालकर मास्क बना रही है। जी हां, हेमलता अब तक करीब 800 मास्क बना चुकी है। वहीं इनमें से 500 मास्क किसी पढ़े लिखे को नहीं बल्कि एक ऐसे को बांट रही है जो जागरूकता के अभाव में जीवन यापन करते हैं। उन्होंने शहर की कच्ची बस्ती और झोपड़पट्टी में रहने वाले लोगों को न केवल अभी तक मास्क बांटे हैं बल्कि उसे यूज करने और इसके फायदों के बारे में भी बताया है।